मार्च के महीने से प्रदेश में 10वीं और 12वीं की बोर्ड एग्जाम्स चालू हो जाएंगी, जिसके लिए शिक्षा विभाग द्वारा तैयारियां की जा रही है। साथ ही बोर्ड एग्जाम को देखते हुए परीक्षार्थियों द्वारा भी जोर शोर से तैयारियां की गई है। इसी को ध्यान में रखते हुए मुंगेली जिले के नव पदस्थ कलेक्टर ने परीक्षार्थियों के लिए एक परीक्षार्थी हेल्प सेंटर की शुरुआत की है, जिसमें परीक्षार्थी अपनी समस्या को लेकर मोबाइल के माध्यम से विषय विशेषज्ञों द्वारा चर्चा कर अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं, जिससे उन्हें काफी सहायता भी प्राप्त हो रही है। यह सुविधा मुंगेली कलेक्टर परिसर में रखी गई है, जहां सुबह 8 से शाम 6 बजे तक परीक्षार्थी दूरभाष के साथ साथ स्वयं उपस्थित होकर विषयों में हो रही परेशानी को लेकर शिक्षकों से मार्गदर्शन ले सकते हैं। इस मामले में हेल्प सेंटर के शिक्षकों ने बताया कि नव पदस्थ कलेक्टर की पहल पर यह सेंटर खोला गया है, जिसमें परीक्षार्थी अपनी परेशानी हमें बताकर उसका समाधान कर सकते हैं। वहीं उन्होंने बताया कि रोजाना परीक्षार्थियों के कॉल भी आते हैं और कुछ परीक्षार्थी यहां उपस्थित होकर अपनी समस्याओं को दूर करवाते हैं। वे जो हमारे विद्यार्थी हैं, उनके लिए दिनांक 18 तारीख फरवरी से यहां विद्यार्थी सहायता केंद्र की स्थापना की गई है, जिसमें विद्यार्थी दूरभाष पे हमारे विषय शिक्षकों से सीधे बातचीत कर सकते हैं, अपनी कठिनाइयों को बता सकते हैं और उसका हल पूछ सकते हैं। यदि विद्यार्थी स्वयं भी चाहें तो यहाँ आके अपना मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। अभी तक के 3-4 दिन से देखा जा रहा है कि प्रतिदिवस तीन चार बच्चों का फ़ोन आ रहा है और वो मार्गदर्शन प्राप्त कर रहे हैं, और ऐसा लगता है कि इससे विद्यार्थियों को लाभ मिलेगा। कुछ फ़ोन ज़रूर आए, आज भी आए, जिसमें बच्चों ने ये कहा कि हम पढ़ नहीं पा रहे हैं, परीक्षा पास आ रही है, क्या करें। उसके लिए जो हमारे विद्यार्थी प्रोत्साहन के लिए जो टीचर लगे हुए हैं, उनने उसका हल निकाला और ऐसा लगता है कि बच्चों को तनाव मुक्त होकर परीक्षा देने के लिए ये केंद्र। बेसिकली एक शिक्षा के गुणवत्ता को लेकर एक बड़ा अभियान अभी हम लोग प्रारंभ करने जा रहे हैं, और इसमें मुख्य रूप से यह हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि शिक्षा का विस्तार तो हुआ है, लेकिन गुणवत्ता में अभी बहुत इम्प्रूवमेंट करने का स्कोप है। उसी के पहले कदम के तहत हम लोग अभी ये कोशिश कर रहे हैं कि जो अभी बच्चे हैं जो इमीडिएटली एग्जाम के लिए अपीयर होंगे, तो कुछ बच्चों का स्ट्रेस और अपेक्षाओं के कारण भी बहुत सारा स्ट्रेस रहता है, तो एक कॉल सेंटर की सेवा हम लोगों ने प्रारंभ किया है और एक सेंटर भी यहाँ उपलब्ध किया है, ताकि अगर किसी बच्चे को किसी भी प्रकार की समस्या हो, तनाव हो या किसी भी प्रकार का डाउट हो, वो केवल स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए नहीं है परंतु कुछ किसी भी प्रकार का डाउट है उसके भी निराकरण के संबंधित एक कार्ययोजना बनी है, उसके तहत वो संबंधित कॉल सेंटर में कॉल करेंगे। वहाँ पर हम लोगों ने सब्जेक्ट एक्सपर्ट की व्यवस्था की है ताकि वो एग्जाम के संबंधी टिप्स देंगे, अगर कुछ तनाव है उसको मुक्ति के संबंध में टिप्स देंगे, और उसी के माध्यम से अभी कल इसका शुरुआत हुआ है, लगभग 10 कॉल अभी तक आ चुके हैं, परंतु जो क्योंकि योजना कल ही शुरू किया है तो हमें आने वाले समय में इसका अच्छा